जय माता दी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में फेसबुक में देख रहे हैं तो आपका स्वागत है मित्रों आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के साल 2022 के वार्षिक राशि फल के बारे में यानी कि मकर राशि वालों की कैसी होगी साल 2022 में परिवार की स्थिति स्वास्थ्य की स्थिति धन की संतान की उनकी नौकरी की उनके दाम्पत्य की उनके प्रेम की उनके व्यापार की स्थिति इसके बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं मकर राशि स्वामी शनि है अगर देखा जाए तो मकर राशि वाले बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं करते हैं किसी के भी फ्री गिफ्ट बड़े मुश्किल से लेते हैं क्योंकि बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं मकर राशि वाले इसी प्रकार से मकर राशि वाले बड़े मस्त मलंग लोग हसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं जीवन में हसमुख रहना इनको पसंद आता है साथ ही साथ बड़े मेहनती लोग मकर राशि वाले होते हैं दूसरों की मदद बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं याद रखिएगा लेकिन मकर राशि वाले बड़े बेचैन होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बहुत महत्वाकांक्षा वाले लोग होते हैं बहुत बार क्या होता है अत्यधिक महत्वाकांक्षा में ये लोगों की बातों में आ जाते हैं जिस कारण से इनको धन की हानि भी उठानी पड़ती है इसलिए मकर राशि वाले जातक और जाति का महत्वाकांक्षी तो मत बनना याद रखिएगा और मकर राशि वाले जिसको भी पैसा उधार देते हैं बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उससे पैसा निकालने के लिए यानी कि आपके हाथों से पैसा जो उधार दिया धन जो आपने उधार दिया वो वापस मिलना बड़ा ही मुश्किल है साल 2021 यानी कि जो साल चल रहा है जाने वाला है या जो साल चला गया है अगर आप वीडियो लास्ट में देख रहे हैं तो तो ये साल क्या गया कैसा गया मुख्य घटना क्या हुई पहला चीज़ साल 2021 में मकर राशि वालों के अस्पताल के कई चक्कर लगे साथ ही साथ किसी अपने से अलगाव बिछड़ाव हुआ साथ ही साथ वाहन और घर के काम में कुछ ना कुछ खर्चा हुआ साथ ही साथ मकर राशि वालों के ऊपर सरकारी कष्ट या चलान भी इनको भुगतना पड़ा अब बात करते हैं साल 2022 जो आ रहा है वो मकर राशि वालों के लिए कैसा है सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में देव भद्र योग बना रहे हैं इसलिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा साल दो में मन की शांति बढ़ेगी परंतु बुरे व्यसन भी बढ़ सकते हैं याद रखिएगा साल 2022 में स्वतंत्र विचारधारा वाले हो सकते हैं यानी कि किसी की बात नहीं मानेंगे अपने मन की करेंगे और बड़े यंग नज़र आएंगे यानी कि स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा लुक बहुत बेहतर होगा इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें तो साल 2022 में मकर राशि वालों की धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ साल 2022 में मिलेगा और कई प्रकार से आपको धन लाभ धन में वृद्धि होगी पहला कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें धन में वृद्धि भाग्य से भी कोई ना कोई धन लाभ होगा आपको साथ ही साथ नौकरी या व्यापार करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा धन लाभ होगा इसी प्रकार से परिवार भाव मकर राशि का देखा जाए तो साल 2022 के अंदर माता पिता को कष्ट रहेगा हल्की फुल्की सर्जरी के योग उनके बनते हैं बाकी सब कुछ ठीक है साल दो में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है भूमि निर्माण क्रय विक्रय के योग बनते हैं साथ ही साथ किसी परिवार में किसी भाई बहन का देखा जाए तो पानी की बर्फ की या ठंडे देश की यात्रा के योग भी साल 2022 में दो बन रहे हैं अब बात करते हैं विद्यार्थियों की तो साल 2022 में विद्यार्थियों को उम्मीद से ज्यादा फल मिलेगा यानी कि बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और किसी परीक्षा में सफलता भी मिलेगी जो आपने सोची नहीं उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है इसी प्रकार से साल 2022 में मकर राशि वालों के संतान पक्ष देखा जाए तो ये जो साल इस साल रिलेशन बहुत ज़्यादा संतान से मधुर हो जाएंगे साथ ही साथ संतान के साथ में रहने का संतान के साथ में दूर विदेश जाने का योग भी बनता है यानी कि 2022 संतान के लिए और आपके लिए रिलेशन के लिए उनके साथ रहने के लिए बहुत अच्छा है यदि आपकी संतान छोटी है एक से अठारह साल की है तो संतान की एकाग्र चित्ता में कमी होगी नेत्र दृष्टि में थोड़ी कमी सो आ, साल 2022 में हो सकती है चश्मा लगाने की जरूरत पड़ सकती है साथ ही साथ विद्या के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा विद्या में आपके बच्चे को कोई अवार्ड कोई अप्रिशिएशन टीचरों द्वारा मिलेगा साथ ही साथ माता पिता का नाम आपकी संतान रोशन करेगी साल 2022 में इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो नौकरी के लिए अगर हम देखें तो साल 2022 बुध का भद्र योग मकर राशि वालों का बन रहा है तो साल 2022 में पुरानी नौकरी में तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं पद प्रमोशन की धन की लेकिन नया ऑफर आपको मिलेगा जिसमें अच्छा पद और धन लाभ आपको होगा इसी प्रकार से दांपत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात करें तो प्रेम संबंध काफ़ी मधुर और अच्छे रहेंगे और आपके पार्टनर को कोई वाहन का लाभ होगा इसी प्रकार से पति और पत्नी की बात करें तो पार्टनर के भाग्य से आ, से कुछ ना कुछ अच्छी धन वृद्धि होने वाली है पार्टनर के भाग्य से प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं यानी पार्टनर का लक 2022 में जबरदस्त तरीके से काम करेगा तो कोई लकी ड्रॉ निकल रहा हो तो उसमें ज़रूर भरना चाहिए साथ ही साथ पार्टनर के करियर में धन में पद में वृद्धि साल 2022 लेके आ रहा है पर सास बहू में अनबन पूरे बारह महीने वैसे कि वैसी ही रह सकती है अब बात करते हैं मकर राशि वालों के व्यापारियों के बारे में तो सूर्य और शुक्र का बहुत अच्छा बहुत सुंदर योग साल 2022 में बन रहा है यानी कि साल 2022 में बड़े काम आपको मिलेंगे काम में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे छोटे स्तर से आपका काम बृहद स्तर पे पहुंच जाएगा हाँ मशीन और वाहन पे इन्वेस्टमेंट भी होगी खर्चा भी होगा काम में वृद्धि होगी और यात्राएं बहुत होने वाली है या तो दूर की यात्राएं आपके होंगी या विदेश से भी की विदेश की भी यात्रा होंगी या विदेश या दूर से भी आपको काम मिलेगा यानी कि व्यापार भाव साल 2022 मकर राशि के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा अब बात करते हैं मकर राशि वालों को पूरे साल क्या उपाय करना चाहिए तो उनको हर शनिवार को काले कुत्ते को बिस्कुट जरूर खिलाना चाहिए प्रॉपर काला कुत्ता न मिले तो काले सफ़ेद कुत्ते को आप बिस्कुट जरूर खिलाएं जिससे कि बुरा प्रभाव ग्रहों का आप पे ना लगे तो मित्रों इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मकर राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही मुझे दीजिए जाए जय माता दी मित्रों